तो है जो कम बैक माय न्यू वीडियो एंड इन ब्लॉग इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं, आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में हम लोगों की तरह व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पहले ही पता है कि हम आ गए हैं अपने शिल्पी जी के घर। और हमारे शिल्पी जी कौन है ये तो आपको पता ही होगा, हमारी साढ़ू भाई की मेहरारू है। आप समझ सकते हैं कि मतलब वो हमारी क्या हुई, ठीक है। इतना डिटेल में बताने की तो ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़े लिखे हैं। तो हम लोग बैठे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी भी हमारे बाबू और बबनी का बुखार ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी परेशान है और इसी के लिए हम लोग आए हैं और काफ़ी उपाय लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, कब तक ठीक होता है कब तक नहीं। और ये हमारे साढ़ू भाई जी, तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं। अभी अभी हम लोग का मिलन हुआ है तो इसी इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं। यही है हमारे साढ़ू भाई जी, तो हम इन्हीं के घर आए हैं और हम अभी जा और अभी हम लोग जा देखिए हमारे साढ़ू भाई के नन्ना मुन्ना समय है। चलिए आपको दिखा देते हैं शिल्पी जी का, अपने शिल्पी जी का घर आपको दिखाएंगे। मेरा पे नहीं हो सकता। जा रहा मार्केट में, बाबू को बुखार हल्का फुल्का कम हुआ है तो बाबू को मन कर रहा है मीठ खाने के लिए, इसलिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं और हमारे भैया जी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो जा रहे हैं पकौड़ा मार्केट, वीडियो के साथ बने रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग आधा किलो मीट भुजवा लिए हैं और लेकर जा रहे हैं घर पे। अभी रास्ते में है, अभी तो अंधेरा है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। सामने लाइट है, चलिए सामने लाइट है, दिखा दीजिए। हाँ देखिए सामने लाइट है इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए झिल्ली में लेकर जा रहे हैं, आधा किलोमीटर भुजा गया है। चलिए चल रहे चलते हैं घर पे और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, ठीक है, ओके। और हमारे भैया जी अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हम और बाबू पीछे बैठे हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए घर में ताला लगा है और ऊपर से चाबी आ ही नहीं रहा है, चाबी आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग गेट पर उसी तरह से खड़े हैं, हम मैडम मैडम चिल्ला रहे हैं, चाबी दीजिए ना, हम लोग अंदर आ गए। हाथ में मीट लेकर खड़े हैं और थोड़ा हमारे भैया जी का हाल देख लीजिए, चाबी मांगते मांगते इनका क्या लग रहे हैं, चाबी नहीं मिल रहा है तो रो रहे हैं और इनकी अर्धांगनी जी इनको रुला रही है। अरे महाराज चाबिया गिलाई है। अच्छा देखिए, देखिए दरवाजे को तोड़ा जा रहा है। खोलिए 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 खोलिए, चलिए एंट्री होते हैं, चलते हैं छत पे। और बाबू उसी बार से बोल रहा है कि भूख लगल बा पापा जी, तो चलते हैं बेटा जी को खिलाते हैं। और सबसे ज़्यादा रो रही हैं हमारे साली जी और हमारी घर वाली जी, देखिए मुरी गा रही हैं। चलो बेटा जी, अच्छा पता है, हाँ बनावे को पड़। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे और आधा किलो का आधा किलो आया है और मुआयना कर रहे हैं मोबाइल का। और हमें शिल्पी जी देखिए कोटरा लेकर खड़ी हो गई है, भीख नहीं मिलेगा, भीख नहीं मिलेगा आपको। देखिए हम बड़का कोटरा मांग रही हैं, बड़का कोटरा क्या ना बा, ये रहा बड़का कटोरा, काम तो करना पड़ता है। अरे रोटी ढोकल बा शिल्पी जी, रोटी ढोकल बा हई देवे बा। बेटा जी बैठे हैं खाने के लिए, अभी बेटा जी को मिल नहीं रहा है। चाट में ऐसी करो पहले पहले गिरा और वगैरह का, तो जा रहे हैं पानी लाने के लिए और खाने की व्यवस्था कर रहा है। हम नहीं खाते हैं इसीलिए फाइनली हम नहीं खाएंगे। और हमारे बेटा जी बोल रहे हैं फ्रिज में का पानी लिया, फ्रिज में का, तो जा रहे हैं फ्रिज में का पानी लाने। अभी फ्रिज में पानी ज़्यादा हीट है तो बाबू को बुखार की वजह से फ्रिज के पानी नहीं भरेंगे, इसका पानी भरते हैं, ठीक है।
और क्या, पानी क्योंकि फ्रिज का पानी यार ठंडा है और भाव को बुखार लगा है तो इसका पानी नहीं भर रहा है। दीजिए पानी बाबू को मलाम का पीस तो देख ली लगाओ तो क्या ना।